हूँ सिंघू बॉर्डर पर, और सिंघू बॉर्डर पर जो है तमाम किसान यहाँ पर जो है आंदोलन में बैठे हुए हैं, और इनकी मांग है कि बिल वापस होना चाहिए, तभी इनकी घर वापसी होगी। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो है अक्टूबर, जिस तरीके से कहा है अक्टूबर तक जो है पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। डिकेट जी ने भी कहा था कि हम अक्टूबर तक रहेंगे। ये देखिए इंतज़ाम को लेकर के यहाँ पर फ्रिज भी आ गया है, क्योंकि गर्मी अब आ रही है, तो इसको लेकर के अभी जितने भी गर्मी में जो जैसे एसी हो गए, फ्रिज हो गए, कूलर हो गए, वो अब यहाँ पर आने लग गए हैं। आप लोग जो है ये फ्रिज लेकर आए हैं, तो कब तक रहेंगे आप लोग? असी मैडम पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट साडा गुरदासपुर है, तो असी दोनों ही जो है संयुक्त मोर्चा उसके मेंबर हैं। मैं तो भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल का जिला प्रधान हूँ, ये अपने लखोवाल के जिला प्रधान ने। असी ये फ्रिज ता करके लेकर आए हैं कि मोदी इस गल का पता लग जाए कि हम कच्चे नहीं आए, हम पक्के आए। वो रोड पर बोलते उसने केले लगाए, हमने ठंडे पानी की छबील लगाएंगे, अच्छा। और पंखे लगाएंगे, एसी लगाएंगे वहीं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो कि हम पंखे लगाएंगे एसी लगाएंगे, ये आप लोग खुद लेकर आ रहे हो या कोई दे जा रहा है? ना ना जी, ये तो असी जेब से लेकर आएंगे, घर से लेकर आएंगे। जब वो हमारी जमीन ले जाएगा तो फिर हमके पास तो दिहाड़ी नहीं हम करेंगे, उससे पहले तो मरना है। हम मरेंगे जन जीतेंगे, एक ही मकसद है हमारा, दूसरा नहीं चलेगा। रही बात मोदी की, करो या मरो वाला साहब, या मरोगा वाला साहब चलेगा। असि उसनु ये बता देना चाहते कि जो तेरे महल है ना उससे ऐसे जी साडे महल है। अच्छा, क्यों बोल रहे हो? कर तो रहे हैं वो चीजें संशोधन के लिए बोल रहे हैं। नहीं, क्या संशोधन बोलता, वो तो छोटे छोटे कटाणु समझ रहा है। उसने संसद में भाषण दिया ना कि जो किसान जो है छोटे छोटे कीड़े है, जो उसने बोले ना जंतु है, नहीं है उसने बोला है। वो तो जमातियों के लिए बोला है ना कि जमाती आ गए हैं, इस आंदोलन में घुस गए हैं, आंदोलन जीवी जो है। जीवी का अर्थ क्या होता है? जीवी का अर्थ होता है कीड़ा। तो आप अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हो? वो तो पार्टी, जो पार्टी वाले घुस करके जैसे उसने बोला किसानों को कि जो बैठे है वो जीवी है। हम उसको बता देना चाहते हैं कि जिस को तो जीवी बोलते हैं वो अन्न पैदा करने वाला किसान है, और वो एक कीड़ी से लेकर सभी हाथी तक सभी को वो अन्न खवाता है। वो अन्न को 6 महीने तक पैली में बीज देता है, तो 6 महीने उसकी पाल पलोस कर बाद में उसको मार्केटिंग करता है उसकी। ये बोल रहा है कि तुम मेरे से मार्केटिंग करो, मार्केटिंग क्या करेंगे? जिसको डानी बानी मोदी जो है इसकी जुड़ली है, उसको तो पता ही नहीं है कि मैं फसल कहीं से बीजनी है। कणक जो है वो दरख्तों से लगती है जहाँ जमीन में बढ़ोई जाती है, चूना जो है चावल है जो वो जमीन से लगता है कि जहाँ ऊपर से वो किसी दरख्त को लगता है, उसको पता ही नहीं कानून क्या बनाना है। किसे उसने जमीन अपने किसान को बुलाया नहीं, उसने लॉकडाउन का फायदा किया कि लॉकडाउन लगा दो तो किसान नहीं बोलेगा। किसान जब तुम ही खाना खाते हो ना, वो खाना कहीं से? वो ही खाना किसान पैदा करता, जो मोदी खाता है वो भी खाना, जो अन्न है वो भी किसान पैदा करता है। जो जे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये दिहाड़ीदार मजदूर के हैं, ये भी वही अन्न खाते हैं जो किसान पैदा करता है। मोदी ने कौन था बिल है जो इसमें हम बोल रहे हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो बोल रहे हैं यही चाहिए यही चाहिए, ये तो बात नहीं है। आप लोग के फायदे में इसलिए बोल रहे हैं ना वो? फायदा कौन था? हमें फायदा तो उसके जो वो साढ़े जितने लीडर से वो सभी ने बता दिया कि साडा इसमें फायदा नहीं है, साड़ी आने वाली नस्लें खत्म हो जाएगी, जो दुनिया पर जो साडा ये जन जीवन है वो खत्म हो जाएगा, असी इसनों नहीं लेना, सानू ये परवाह नहीं है तेरे पे, तो फिर क्यों थोप रहा है हमारे पास? आज 7वां महीना हमें शुरू हो गया है, 7 महीने से हम कभी रेलवे स्टेशन पर बैठते हैं, कभी रेल की परड़ियाँ पर किसान आराम करता है, ये जो चुकी है महल बने हुए हैं इस पर हम आराम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सब अपने बीवी बच्चे छोड़ कर वहीं आए हैं, और तुम काम कर रहे हो, तुम अपने घर के लिए कर रहे हो कि हमें थोड़ा बहुत प्राप्त होगा। तो जब अब जिस तरीके से पहले 11 वार्ता हुई थी, 11 बार जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी, अब फिर कहा है कि आप लोग वार्ता के लिए बुला रहे हैं, आपको क्या लगता है सुनवाई होगी आप लोगों की?
देखो एक आदमी जिसको एक आदत होती ना झूठ बोलने की, जुगलेबाज, वो हर रोज झूठ बोलता, वही झूठों खा जाता है, उसका पेट भर जाता है झूठ बोलने। और उनके पास जो उनकी जुंडली है ना, उनके पास झूठ के बिना और कुछ नहीं है, झूठ ही झूठ बोली जा रहा है। जब देखो अभी तू क्यों लग रहा है कि वो झूठ पे झूठी बोल रहे हैं? नहीं, वो झूठ बोल रहा है। देखो अभी तू लगा है ना, वो बोलेगा नहीं अब तो रात है, तो हम उसको रात थोड़ मानेंगे, हम कहेंगे नहीं ये दिन है, यही फर्क है बस। वो जब भी गल मानता है, वो ये गल तो मानता है कि कानून में फर्क है, कानून में फर्क है, जी उसमें फर्क है तो उसने रद्द क्यों नहीं करता? संशोधन के लिए बोल तो दिया। नहीं बोलता है वो, कर देते फोन कर दे, वो बोलता किसान एक फोन की दूरी पर है, तो जे किसानों के पास उसका नंबर नहीं तो वो किसानों को बुला ले, वो तो फोन कर सकता है ना किसी भी आदमी को, बोले के लीडरों को बुला ले, लीडरों को बुला ले तो बात होगी। अभी बात खाली डगडगा बजाने का क्या फायदा है, जब उसमें कोई नाचने वाला ही नहीं होएगा, वो तो खाली डुगडुगी बजाई जा रहा है कि हम किसानों के हित का काम कर रहे हैं। काम तो वो कर रहा है इस वक्त डानी बानी के लिए, जिसको उसने सारा देश भेज दिया। उसने दो तीन काम किए अच्छे, एक तो उसने जितना भी उसने सामान बेचा ना उसके पैसे कमाने के लिए किया, एक तो उसने अपने खर्चे के लिए जहाज खरीद लिया जाने के लिए घूमने के लिए, एक उसने गोदी मीडिया खरीद लिया, क्योंकि वो भी पैसे से चलता है ना, इसलिए वो अच्छे काम ये कर रहा है। उसने किसानों का दर्द नहीं है, उसने दर्द है गोदी मीडिया, मतलब कौन कौन इसकी बात कर रहे हैं? तुम सुनो कितने गोदी मीडिया में चल रहे हैं, है? आज तक वाले बोल रहे हैं, भारत वाले बोल रहे हैं, जब वो दिखा रहे कि हम देखो जी किसान पर पत्थर फेंके, किसान गुंडागर्दी कर रहा, जितने सातवां महीना शुरू हो गया है किसी किसान का कोई सबूत है उसके पास गोदी मीडिया के जिस किसान ने कोई इतना पत्थर भी चौककर किसी पर फेंका हो? ठीक है, कोई किसी का हमने इंडिकेटर भी गड्डी का तोड़ा हो, किसी का फूल भी तोड़ा हो सरकार का? जे साडे गुरुआ ने मतलब कह दिया कि सहज पके सो मीठा होए, ठीक है, हम तो रोमांच से बैठे, कभी लाइटें बंद कर देता है, कभी पानी बंद कर देता है, कभी खड्डे खोदता है, चीन पर जाके खड्डे खोते हैं, चीन के पास जाए खड्डे खोते, हमारे गाड़ी वो केले लगा देता है, हम कौन सा टैंक लेकर आ रहे हैं जब वो केले लगा देता है? उसने केले लगाए, हमारे नेतों ने फूल लगा दिया, फूल तो हटा दिए, लगा तो दिया ना, उसने भी केले चुके थे फिर गड़ा दिए, और फूल लगा देंगे, बात तो फूलों की है, फूल और लगा देंगे। अच्छा ये कैसे निपटेगा, कैसे आप लोग अड़े हुए हैं? बिल्कुल असी एक ही है, जितनी देर तक वो साढ़े कानून नहीं रद्द करेंगे हम वहीं रहेंगे। 200 के ऊपर उसको तो मोदी को ये नहीं मालूम हो रहा कि मेरे जो अन्न पैदा करने वाला किसान है वो हर रोज दो तीन किसान की मौत हो जाती है, जो बोल रहा बच्चे बूढ़े वापस चले जो तबीयत ना खराब हो जाए, तबीयत ना खराब हो जाए। नहीं, जब उसकी एक एक मौत होती है बंदा मर जाता है, उसको मौत बोलते हैं ना, एक बंदा वो हो जाता है जिसकी जमीर मर जाती है, जींदा मरता है, हम जींदे तो नहीं मरेंगे, हम ऐसे जहीं से नहीं मरेंगे, हम ऐसे मरेंगे, जब ये जाएगी तो फिर मरेंगे। हमारी जो इज्जत है ना वो जमीन है, जमीर साड़ी जमीर जागती है, जमीन नहीं इसको देंगे, डानी बानी जो मर्जी है, हमें उसको डरते नहीं है। यानी कि बिल वापस करा के जाओगे? वापस बिल होएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हम तो यही आ भाई 26 दिन आए, जो पहले बात दसी वही बात है, 26 दिन आए या जिन्हें चर हादे रद्द नहीं होंगे उन चाहे किधर ही जाओगे इतने रहोंगे। ये मोदी मीडिया से कही जाता, कभी अतवादी कह दें, कभी वक्खवादी कह दें, कभी पाकिस्तान का कह देंगे, कभी चीन का कह देंगे, तो ये तो इन्नी सुरक्षा जी पाकिस्तान के बार्डर से नहीं सुरक्षा जिनी जिनी इतने लाती इन्होंने ना, चीन के बार्डर के उत्ते आ, वो चीन के बार्डर आए गांह तुरे आते वो तो रुकी नहीं जाती, अपनी हिंदुस्तान की लड़ाई जी किल ला के बैठे कड़ी किल लाते पत्थर रखे गड़ी में अं कि कोई एड्डी वीडी गल, आप लोगों ने सारा इंतजाम कर लिया है यहाँ पे पक्का? आप तो इतनी कोई पानी की कमी नहीं है,
पंखे की कमी नहीं है, राशन की कमी नहीं है, जो साढ़े परिवार पीछे बैठे हैं ना। अगर ये मान लो फैसला हो ही जाए तो? ये फैसला जब होएगा तो एक हफ्ता हम वापस जाने के लिए लगेगा। एक हफ्ता? हाँ, जितना हमने प्रबंध किया है, हमने लाइटें लगाई, फ्रिज ले आई, सामान लेकर आए हैं, जितने जाने में टाइम लगे। हाँ नहीं, जाने का टाइम ऐसे नहीं कि हम वो बोल देगा कानून रद्द थे हम वापस भाग जाएंगे, ऐसे नहीं भागने वाले। ये अपनी पार्लियामेंट बुलाएगा, उसमें कानून रद्द करेगा, उसके बाद क्या करेगा, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, जब हमें सर्टिफिकेट देगा फिर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ये तो झूठा है, झूठ का खिद्दो बनया है, ये तो बोलता जाएगा झूठ, हम भागने वाले नहीं, सर्टिफिकेट लेकर फिर जाएंगे, ऐसे नहीं जाते हम, जैसे वो सोच रहे हैं। ये किसानों प्रमाण लेके जाओगे? हाँ, पूरा लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाते हम। जमीन हमारी माँ है, जब पैदा हुए थे इस जमीन में खेड़े थे, ठीक है, हम पले हैं जमीन पर, पले हैं, चलते हैं जमीन पर चलते हैं, हंसते हैं जमीन पर हंसते हैं, जब मरेंगे तो ये जमीन में हमारा संस्कार होएगा, हम दफनाएंगे, जो भी करेंगे जमीन में होएगा। चलिए ठीक है, यानी कि आप लोग जब जाएंगे, जब ये बिल वापिस हो जाएगा, चाहे आपको कितने भी दिन रहना पड़े यहाँ आंदोलन में, साल लग जाए, दो साल लग जाए, तीन साल लग जाए, वहीं रहेंगे।